हाय स्टूडेंट्स, आप दीपक रजोरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास टेंथ के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर दिया है एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ अ पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मीन्स फिगर के अंदर एक पुली दे रखी है, देख पा रहे होंगे आप, जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और इस पुली की रिम के ऊपर एक इलास्टिक बेल्ट लगी है। From one point C on the elastic belt is pulled directly away from the center O of the pulley until it is at P 10 centimeter from the point O। तब इस belt के ऊपर एक point C है जिसे क्या किया जाता है, खींचा जाता है कहाँ पे, O center से दूर, और एक point P तक खींचा जाता है, और इस point की distance इस point O से कितना है, 10 centimeter है। तब फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ बेल्ट दैट इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द पुली। तो बताइए ऐसा करने पर अभी भी जो बेल्ट पुली के कॉन्टैक्ट में है उसकी लेंथ फाइंड करिए। सो अगर ऐसा करेंगे तो अभी कौन सी लेंथ पुली के कॉन्टैक्ट में है, ये वाली आर्क, राइट। सो इसकी लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और यहाँ पे एक शेडेड रीजन आप देख पा रहे होंगे, इसका एरिया फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब बेल्ट को पॉइंट सी से पी तक खींचा जाएगा, तब ये जो बेल्ट है ये कैसा वर्क करेगी, इस पुली के ऊपर यानी कि इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट की तरह वर्क करेगी। अगर ये टेंजेंट की तरह वर्क करेगी तो ये एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो इस पॉइंट को हम लोग मेंशन कर देते हैं। अच्छा, 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ए क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा इस केस में, और ये रेडियस है, ठीक है। तो मेंशन किया हम लोगों ने क्या, एंगल ओ ए पी इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री, करेक्ट, ओके। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइनली हम लोगों को ये फाइंड करना है ना कि बेल्ट की लेंथ जो अभी भी किसके कॉन्टैक्ट में, पुली के कॉन्टैक्ट में है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। मीन्स ये जो आर्क आप देख पा रहे हैं, कौन सी मेजर आर्क, इसकी लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। सो इसकी लेंथ अगर फाइंड करनी है तो एक आर्क की लेंथ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr होता है, जहाँ पे थीटा क्या होता है, सेंटर पे बना हुआ एंगल जो वो आर्क बनाती है, करेक्ट। इसका मतलब अगर इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, ये एंगल थीटा फाइंड करना होगा, करेक्ट है। और ये एंगल अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग ईजीली लेंथ फाइंड कर सकते हैं। बट उसके लिए हम लोग अगर ये एंगल फाइंड कर लें तो क्या करें, 360 में से इस एंगल को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही सारी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम लोग सिर्फ इस एंगल को फाइंड करने के लिए। अब जरा यहाँ पर आते हैं, ये हम लोगों के लिए 90 डिग्री है ये ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। अब इसको हम लोग एंगल मान लेते हैं, ये क्या है, थीटा, राइट। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा, थीटा। रीज़न बीइंग, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है किसी भी सर्कल के ऊपर, वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये 90 था तो ये क्या हुआ अपने आप में, हाइपोटेन्यूस, राइट। और क्योंकि हम लोग इसको एंगल कंसिडर कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ में जो अटैच साइड है वो क्या हो गई, बेस, और इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हुई हम लोगों के लिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या फाइंड करना है, इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास गिवन साइड्स क्या हैं, ये साइड जो कि अपने आप में क्या है, बेस, और ये साइड जो अपने आप में क्या है, हाइपोटेन्यूस। सो बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, दैट इज कॉस, लगा देते हैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल विच वन, ओ ए पी। सो ओ ए पी ट्राइंगल के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। सो बेस, बेस अभी कितना है, दैट इज ए ओ अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस केस में कितना है, ओ पी। सो कॉस थीटा इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ पी, या फिर कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, ये तो वैल्यू जानते हैं ना, 5, और इसकी वैल्यू 10, कैंसिल आउट किया 1/2 आ गया। तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, अब जरा याद करिए कॉस की टर्म्स में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस के टर्म्स में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 की,
करेक्ट। अब देखिए दोनों साइड में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, जब एंगल्स भी कैसे होंगे इक्वल। इसका मतलब थीटा जो कि यहाँ पे एंगल है उस एंगल के इक्वल होगा। सो थीटा हम लोगों ने फाइंड किया और ये थीटा कितना निकला 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल यानी कि कौन सा एंगल ए ओ बी कितना होगा, ये होगा थीटा प्लस थीटा। थीटा प्लस थीटा का मतलब 60 प्लस 60 जो कि हो जाता है कितना 120 डिग्री। क्लियर। सो ये एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया और ये कितना है 120 डिग्री, बट हम लोगों को तो ये एंगल चाहिए ना, देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू होगा 360 में से माइनस कर दे किसको, एंगल ए ओ बी को। ठीक है, जस्ट पुट करिए तो वैल्यू 360 माइनस 120 डिग्री, सो दिस इक्वल टू व्हाट 240 डिग्री। और ये क्या फाइंड किया हम लोगों ने, ये है रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी जो कि मेजर आर्क बनाती है किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। सो ये निकाला हम लोगों ने कितना 240 डिग्री एंगल। राइट, अब जब हम लोगों ने ये एंगल फाइंड कर लिया है तो क्या करें, तब तो लेंथ इजीली निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। देयरफॉर सो लेंथ ऑफ बेल्ट विच इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद पुली इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, सो दिस इक्वल टू थीटा, अभी इसके लिए थीटा यानी कि सेंटर पे बना हुआ एंगल कौन सा है 240 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई और रेडियस कितनी है इसके लिए 5। ठीक है, जस्ट क्या करें, कैंसिल आउट कर दें। सो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 से 2 टाइम कैंसिल, 12 से 3 टाइम कैंसिल। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 3 और 5 टू जो 10 पाई ऐसा लिखा जा सकता है, जो कि सिंप्लीफाई करके हो गया 2 और 10 का मल्टीप्लाई 20 अपॉन 3 पाई। पाई की वैल्यू रख दीजिए, सो 20 अपॉन 3 पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14, राइट, जो कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है हम लोगों का 62.80 और इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा हम लोगों का 2.93 सेंटीमीटर। राइट, सो हम लोगों ने क्या फाइंड किया, हम लोगों ने फाइंड कर लिया है लेंथ ऑफ बेल्ट विच इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद पुली। राइट, सो ये हम लोगों का क्या है, फर्स्ट आंसर। ठीक है, 20.93 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ये शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अच्छा, हम लोग इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या करें, ये ट्राइंगल देख पा रहे हैं कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, इस राइट ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें और उसमें से अगर इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा, ये वाला शेडेड पार्ट निकल आएगा, अगर इसको हम लोग एरिया वन कहते हैं। ठीक है, और यही एरिया वन किसके इक्वल होगा, इस एरिया के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और ये भी कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट सेक्टर्स हैं। ठीक है, सो ये दोनों एरियाज कैसे हैं, इक्वल। तो ऐसा किया जा सकता है, मीन्स एक का एरिया निकालें और टू से मल्टीप्लाई कर दें, बट उसके लिए अभी ज़रूरत किसकी होने वाली है, जब हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए 1/2 बेस इनटू हाइट होना चाहिए, मीन्स ए पी की लेंथ आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, अभी ए पी की लेंथ फाइंड कर रहे हैं। सो कह सकते हैं इन राइट ट्राइंगल विच वन ओ ए पी, सो ओ ए पी राइट ट्राइंगल के अंदर, अब देखो ये चीज़ हम लोगों के पास में है, मीन्स हाइपोटेनियस है और हम लोगों को ये चाहिए परपेंडिकुलर। सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन लगाया जा सकता है, लगा देते हैं जब एंगल ये है, सो साइन थीटा। अब थीटा की अब तो वैल्यू जानते हैं ना कितना 60, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 और परपेंडिकुलर मीन्स ए पी और हाइपोटेनियस ये है मीन्स 10। करेक्ट, जस्ट क्या करें, ट्रांसपोज कर देते हैं तो ए पी इक्वल टू वॉट 10 √3 अपॉन 2 जो कैंसिल आउट करके कितना हो जाता है, ए पी इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। सो अभी क्या फाइंड कर लिया हम लोगों ने, ए पी की लेंथ फाइंड कर लिया। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं, तो ये है हम लोगों के लिए 5√3 सेंटीमीटर। करेक्ट, अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। नाउ
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, तब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, क्या करें, ट्राइंगल, राइट, ट्राइंगल का एरिया, सो एरिया ट्राइंगल ओ ए पी, राइट, और इसमें से माइनस कर दें एरिया सेक्टर, कौन सा, ओके, एरिया सेक्टर ओ ए सी को माइनस कर दिया जाए तो एक का एरिया निकलेगा, और इसको हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों पार्ट निकल आएंगे, ठीक है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज, सो दिस इज व्हाट टू, ओके, एरिया राइट ट्राइंगल क्या होता है, वन अपॉन टू बेस, और बेस इस केस में कितना है, फाइव, और हाइट कितनी है, फाइव रूट थ्री, सो फाइव रूट थ्री, माइनस का साइन है, पुट करिए, एरिया सेक्टर ए ओ सी, सो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जस्ट पुट दैट, सो थीटा, अभी थीटा कितना है इस सेक्टर के, देखिए सिर्फ इस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, सो इसके लिए थीटा कितना है, 60 डिग्री, सो 60 अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर कितना है 5, सो 5 का स्क्वायर, जब सिंप्लीफाई करते हैं सो 2 को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25 रूट 3 अपॉन 2, 25 रूट 3 अपॉन 2, राइट, अभी 60 से इसको कैंसिल किया कितने टाइम, 6 टाइम, और ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर मीन्स 25 पाई अपॉन 6, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट, अब क्या करिए, जस्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, सो 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 25 और रूट 3 की वैल्यू रख दीजिए 1.73 अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया तो 2 इंटू 25 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लिख देते हैं अपॉन कितना है 6, ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए 2 से तो 2 यहाँ पे कट गया, 2 से ही कट गया कितने टाइम, 3 टाइम, ठीक है, अब जस्ट इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो बन जाता है हम लोगों का 43.25, माइनस का साइन है, पुट करिए, और जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 78.5, जिसको कि 3 से डिवाइड किया जाना है, करेक्ट है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना है 43.25 और इसको डिवाइड करने पे आ जाता है हम लोगों का 26.166, ठीक है, ओके, इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोगों का निकल आता है माइनस करने पे 17.084, और क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हम लोगों का दूसरा आंसर है, शेडेड पार्ट का एरिया है, आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पर चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, फिर से आता हूँ नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।